हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया और आप है मेरे साथ मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे विच इज प्रिया लीगल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ पेपर वन और पेपर टू की सीरीज फॉर यूजीसी नेट एंड एमएच सेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन का सिलेबस। तो मैं आपको बताऊंगी उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन से यूनिट्स है, किसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है और आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड इज वेरी इजी एंड स्कोरिंग यूनिट अकॉर्डिंग टू मी। आपको इसमें बहुत ही सिंपल चीजें पूछी जाती है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जैसे कि आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछा जाता है जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव ये चीजें आती है। उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, दो टाइप के मेथड्स होती है टीचिंग की, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको पता है अभी स्वयं, स्वयं प्रभा, मुक्स ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा एग्जाम में। और इवैल्यूएशन सिस्टम, इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। जैसे आपको पता है हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ईच यूनिट कैरीज 10 मार्क्स। वो थोड़ा डिफर हो जाता है, कभी कई बार 4 क्वेश्चन आते हैं किसी यूनिट से या फिर किसी यूनिट से 6 क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो डिपेंड्स। तो ये हो गया यूनिट वन के बारे में। अभी हम बात करेंगे यूनिट टू के बारे में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में मैं आपको इजी है या डिफिकल्ट है ये नहीं बता सकती, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने पीजी में रिसर्च कितनी सीरियसली किया है। जिन बच्चों ने सीरियसली रिसर्च किया होगा उनके लिए ये टॉपिक बहुत इजी है, इसमें से सारे क्वेश्चंस वो बिना पढ़े भी सॉल्व कर पाएंगे, इतना इजी ये टॉपिक है। तो इसमें आपको मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ के जाना है। मेथड्स ऑफ रिसर्च से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने मिलेगा। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से आपको एक क्वेश्चन आएगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, आपको पता है अभी आईसीटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आईसीटी का एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। एंड देन रिसर्च इथिक्स। तो ये टॉपिक्स मैंने जो जो टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं वो आपको पढ़ के जाना है, उसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। और वैसे मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, पर आप एक बारी गो थ्रू जरूर कीजिएगा सिलेबस से। थर्ड यूनिट इज कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्प्रहेंशन का एक सिंपल ट्रिक है, आपको लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उसमें से कॉम्प्रहेंशन का जो क्वेश्चन होता है, जो एक पैसेज या पैराग्राफ अपन जिसे बोल सकते हैं, वो उठा के उसके ऊपर के 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। डेली आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर के दिन तक आपका कॉम्प्रहेंशन कन्फर्म हो जाएगा और आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन पेपर में आएंगे और 10 मार्क्स आपको ये यूनिट जरूर दे सकता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो नई इसमें कोई चीज नहीं है, इजी है कम्युनिकेशन भी। आपको वर्बल, नॉन वर्बल दो टाइप के कम्युनिकेशन पता होंगे। इशारों इशारों में जो बातें अपन बोलते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और जो मैं आपसे बात कर रही हूँ दैट इज दी वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। इसमें बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, बहुत बारी हम किसी और मेंटल स्टेट में होते हैं, कोई और चीज सोच रहे होते हैं, सामने वाला हमसे बात कर रहा था, हमको पता ही नहीं होता वो क्या बात कर रहा है। सो दीज आर सम मेंटल बैरियर्स वगैरह होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। उसके बाद किस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें इसी से क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन में, अलग कुछ नहीं पूछते वो। अभी है सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7 तीन यूनिट है मैथ से रिलेटेड, और जो बच्चे मेरे जैसे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं वो ये सारे यूनिट्स देख के बहुत डर जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये यूजीसी नेट और एमएच सेट के पेपर्स है, तो इसमें इतना कुछ टेक्निकल मैथ्स नहीं पूछा जाता है, बहुत बेसिक मैथ्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें अगर आप ये टाइम डिस्टेंस रेशियो फ्रैक्शन या अगर आपको नहीं करना है, आपको नहीं जमता है, मैं आपको पढ़ाऊंगी डेफिनेटली, पर उसके बावजूद भी आपको ये डिफिकल्ट लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप इसको टाइम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यस, आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपको इसके पीछे टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप और कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं, जैसे वो मैं आपको नीचे बताते जाऊंगी। हाँ, तो आप यूनिट 5 से क्या पढ़ के जाएंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप,
इसमें से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज वगैरह तो आपको पता है, बहुत इजी है, आप 2-4 दिन के प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 5 क्वेश्चन पर यूनिट, ठीक है। तो अगर आप हर यूनिट के, मतलब जो भी मैथमेटिकल वाले जो यूनिट है, उसमें से अगर आप 2 क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं, तो आपको 3 तो सॉल्व करना ही करना है। बिकॉज आपको जैसे पता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कंप्लीट यूनिट स्किप नहीं कर सकते। आपको लेके चलना है कि आपको 75 से 80 मार्क्स लाने ही लाने हैं एग्जाम में। तो आप टोटल यूनिट कोई भी स्किप नहीं कर सकते। और जो बच्चे सोच रहे कि हम पूरा पेपर 1 ही स्किप कर देंगे और सिर्फ पेपर 2 के भरोसे हम एग्जाम पास करेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ये बहुत अनप्रैक्टिकल डिसीजन है, ठीक है। तो आपको अगर एमएच सेट क्रैक करना है, तो आपको 160 के ऊपर स्कोर करना जरूरी है। अगर आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है, तो आपको 170 के ऊपर स्कोर करना जरूरी है। और आप अगर जेआरएफ चाहते हैं, तो आपको 190 to 210 के बीच में स्कोर करना जरूरी है। तो पेपर 1 स्किप करना इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, ठीक है। अभी यूनिट 5 कंप्लीट हो गया। यूनिट 6, दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में लोग इंडियन लॉजिक के नाम से काफी डराते हैं, पर इंडियन लॉजिक में डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल वर्ड्स है, अनुमान, अर्थपति, शब्द। ये वर्ड्स हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। तो इसमें कोई भी ऐसी अलग चीज नहीं है जो आपने नहीं सुनी है। आपको संस्कृत आना जरूरी है वगैरह, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन लॉजिक इज वेरी इजी। आप 2 से 3 दिन में ये पढ़ के आराम से इसको समझ सकते हो। उसके बाद आपको डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग जो है, उसमें से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, जो कि बहुत इजी है। मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको जरूर समझ में आएगा, वो इतना इजी है। देन मूड एंड फिगर्स से भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी स्कोरिंग है। उसके बाद आते हैं यूनिट 7 पे, दैट इज डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का एक ही टेक्निक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको इंफॉर्मेशन हर साल अलग अलग देखने मिलेंगी, पर इसका पैटर्न जो होता है वो सेम ही होता है। जैसे 2021 में जो डीआई के क्वेश्चंस आए थे, वो मोर और लेस सिमिलर टू 2018 के क्वेश्चन से सिमिलर थे, पैटर्न सेम ही था। तो इसमें जैसे 5 क्वेश्चन होते हैं डीआई के, तो 3 अगर आपको इजी आ रहे हैं, तो 2 डिफिकल्ट रहते हैं। तो आप वो 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करके उस पे स्कोर कर सकते हैं। तो और इसमें और एक चीज होती है कि आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देना पड़ता है। आपको कंफर्म आंसर की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आपका कोई अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, तो आप उसके नियर बाय कोई ऑप्शन देख के वहां पे टिक कर सकते हैं। तो आप इसको भी टोटल स्किप ना करें। आप इसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यूनिट 8, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज कौन नहीं टेक्नोलॉजी यूज करता है? हर कोई आज इंटरनेट यूज करता है, एंड्रॉइड फोन यूज करता है, ईमेल यूज करता है। बस यही सारी चीजें हैं यूनिट 8 में। बस इसमें जो फर्स्ट चीज है एब्रीवेशन, तो एब्रीवेशन कम से कम 50 से 60 है, जो मेरे हिसाब से टेक्निकली लर्न करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और कोई ना ही करे तो बेटर है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिलेबस बहुत वास्ट है पेपर 1 और पेपर 2 का, तो इतनी छोटी छोटी चीजें जो कि आप, मतलब 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है एब्रीवेशन में से, तो उसके लिए आप 40 से 50 एब्रीवेशन लर्न करते नहीं बैठ सकते, बिकॉज कोई सेंस नहीं कैरी करता। तो एब्रीवेशन जो कैची है, इजी है, वो एब्रीवेशन आप डेफिनेटली लर्न करके जाओ। पर जो बहुत लेंदी है, उसके पीछे टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे बीसीसी, दैट इज ब्लैंक कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी, ये चीजें आप उसमें से लर्न कीजिए, ठीक है। फिर है यूनिट 9, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो जिन बच्चों का पेपर 2 इज लॉ, उनको पता होगा, अगर उन्होंने सिलेबस देखा है, तो पेपर 2 में भी एक एनवायरमेंटल एक्ट करके एक यूनिट है, ठीक है। तो वो बच्चे ये यूनिट और वो पेपर 2 का यूनिट क्लब करके पढ़ सकते हैं, तो आपको दोनों पेपर में बहुत यूजफुल होगा। 2 यूनिट का मिला के आपको एक ही यूनिट पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, जो भी सबमिट्स हुए इंटरनेशनल, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 17 वगैरह है, तो वो आपको 10 मिनट में लर्न हो जाएंगे। वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और उसमें से भी क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद यूनिट 10, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम
बहुत स्कोरिंग यूनिट है, जैसे आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई है रिसेंटली, तो वो आपको पेपर में पढ़ के जाना है, उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। पहले अपने यहाँ 10+2 सिस्टम था, अभी वो चेंज हो गया एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और ये यूनिट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जैसे आप एंशंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वगैरह पढ़ोगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा पेपर में। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ वगैरह, ये भी आपको पढ़ के जाना है, उसपे से भी क्वेश्चन आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज गवर्नेंसेस से भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर वन एंड दिस 10 यूनिट्स विच यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। सो कल हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।